Question number 25. If A is not equal to B is not equal to 0, prove that the point A, A2, B, B2, 0, 0 will not be collinear. चलिए चेक करते हैं कोलिनियर है कि नहीं, इनकोलिनियरिटी है कि नहीं इसमें. कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट ए ए टू बी बी टू जीरो जीरो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल we know that area of triangle formula hota hai 1 by 2 x y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 square यूनिट. इसी फॉर्मूले पे पुट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएंगे वन बाय टू. चलिए पुट कर देते हैं ए दिया हुआ है p square minus 0 plus b 0 plus a square plus 0 a square plus b square 1 by 2 a b square minus a square b one by two a b b minus a common कर लिए is not equal to zero okay a is not equal to b is not equal to zero area of triangle a b c points A A two B B two and 0 0 is not 0. So the given points are not collinear. ये जीरो के बराबर नहीं हुए, ये तो इतना आ गया, इसलिए collinearity नहीं हुआ. collinear मतलब तीनों सेम हो तब collinear होते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. The height of the cone is 10 centimeter. The cone is divided into two parts using a plane parallel to its base at the middle of its height. Find the ratio of the volume of the part. चलिए एक कोन बना लेते हैं. A B O C D. इसमें दो कोन बन गए, एक ऊपर और एक नीचे. दोनों का रेशियो बताना है. हाइट इक्वल एच रेडियस इक्वल आर. कोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कोन इज डिवाइडेड इनटू two parts. Upper part is smaller cone. Upper part is
smaller cone end and bottom part of part is the frustum of the cone OC equal CA equal H by 2. Radius of the smaller cone R centimeter. Radius of the smaller cone R centimeter in triangle OCD equal OCD end, sorry, end triangle OAB triangle OCD triangle OAB equal 90 degree OCD 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 और OAB 90 degree होंगे triangle OCD equal triangle AOB common हो जाएंगे OCD OCD OAB दोनों triangle common हो जाएंगे दोनों angle common हो जाएंगे एक ये एंगल बनेंगे एक यहां से डॉट 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 एक ये बनेंगे दोनों कॉमन हो जाएंगे आगे चलते हैं OCDOA is common. OCD equal triangle AO OAB OAB AA similarly OA by OC equal to AB by CD equal to OB by OD ये को इक्वल कर देंगे height HH by 2 equal to R by R इधर में R equal to 2R radius of the cone radius of the cone OCD are R centimeter and height of the cone OCD are H by 2 centimeter दोनों के रेशियो बताने हैं तो दोनों को मैं रेशियो में लिख दिया OA AB OC divided by और उसको पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ द कोन OCD इक्वल टू 1 by 3 इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू h by 2 फार्मूला पुटिंग है ये सब 1 by 6 पाई आर स्क्वायर h हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन OAD volume of cone OAD equal 1 by 3 into pi into 4 r square into h given 1 by 3 into pi into 4 r square into h here h by 2 थे इसको पुट करने थे सॉरी पुट करने थे यहां पे r स्क्वायर r दिए हुए हैं r को स्क्वायर करेंगे तो 2r है तो यहां पे पुट जाएंगे 4r स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम द
ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन ओ ए डी माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन ओ सी डी इक्वल 1/3 इंटू पाई इंटू 4R² इंटू एच माइनस 1/3 इंटू पाई इंटू 4R² इंटू एच 2 माइनस। आगे चलते हैं। ये इक्वल हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, 7/6 पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ द कोन ओ सी डी इज टू वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म मैंने निकाले थे उससे पहले 1/6 πr² h 1/6 πr² h जो कि वॉल्यूम ऑफ कौन के थे पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म मैंने अभी निकाला है 7/6 πr² h जो कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 1:7। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। पीटर थ्रो टू डिफरेंट डाइस थ्रो एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑफ 10। रायना थ्रो डाइस एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ 10 हु वाज द बेटर चांस टू गेट नंबर 25। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। पीटर नाम का एक लड़का था जो कि दो डाइस को उछाला, और एक लड़की थी रैना मैम की, वो एक डाइस को उछाली, और 25 का स्क्वायर का किसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स टू डिफरेंट डाइस थ्रो टुगेदर। टोटल आउटकम्स 36 आएंगे और स्क्वायर नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर 25, यानी एक 5 आ सकता है और एक 5 आ सकता है, तब तो स्क्वायर अभी 25 होंगे। फेवरेबल आउटकम्स कहने का मतलब पीटर जो थे 36 बार उछाले थे, 36 बार उछालने के बाद एक ही फेवरेबल आउटकम्स आए जो कि 5×5 जो कि 25 स्क्वायर हो रहे थे, एक ही आउटकम्स आए थे जिनका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला भी आगे भी यूज होगा, इसको लिख लीजिएगा, पहले ये बताए थे। ये फॉर्मूला लगाने के बाद फेवरेबल आउटकम्स एक आए, टोटल आउटकम्स 36 हैं, तो पीटर का चांस तो ये बन रहा था
इसके बाद टोटल आउटकम्स व्हेन रायना थ्रो आर डाइस आर एक डाइस उछाली थी इसलिए एक भी आ सकता था, दो तीन चार पाँच एंड छः ये सब आ सकते थे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसके छः थे जिनमें से कि इसका फेवरल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स छः हुए। रैना थ्रो ए डाइस एंड स्क्वायर द नंबर थ्रो ए डाइस एंड स्क्वायर द नंबर सो टू गेट द नंबर 25। तो रैना के पास भी एक ही चांस आएंगे फेवरल आउटकम्स द फेवरल आउटकम्स रैना के पास भी एक चांस आए, बट पीटर के अलावा जो रैना के चांस थे पीटर 36 टाइम्स उछाले थे और रैना 6 टाइम्स, तो इनका प्रोबेबिलिटी बनता है प्रोबेबिलिटी फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे हम फेवरल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। फेवरल आउटकम्स 1 थे, टोटल आउटकम्स 6 हुए, इनका था रैना का था रैना का 6 1/6। तो दोनों के कंपेरिजन में देखा जाए तो रैना के आउटकम्स 6 बार में अधिक आने के चांस थे, तो 1/6 ज़्यादा चांस थे रैना को और 1/36 कम चांस थे पीटर को। यहाँ लिख देता हूँ रैना हैज़ बेटर चांस, रैना हैज़ बेटर चांस टू गेट नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 28। A chord PQ of the circle of the radius 10 cm subtended at angle of 60 degree and the center of the circle, find the area of the major segment of the circle. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। पहले एक सर्कल खींच लेते हैं, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, यस सीधा हो गया। साठ डिग्री है ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 हो जाएंगे, ओ पी आर क्यू। रेडियस ऑफ द सर्कल 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर तो पहले हो जाएंगे आपका क्यू पी आर ओ से सॉरी ओ पी क्यू आर ओ पी क्यू ओ पी क्यू आर इसका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने उल्टा ले दिया, ओ पी आर क्यू ओ पी आर क्यू फॉर्मूला 60 डिग्री पे है तो 60/360 πr² इन्हीं पर सॉल्व करेंगे, 60 कर लेते हैं ना, वन बाय सिक्स
इंटू 3.14 इंटू 100, ये निकल कर आ जाएंगे 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इन ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या थे? ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू पी एस, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। देखिए ओ पी क्यू, ओ पी क्यू और ओ क्यू पी एस, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, दोनों रेडियस ही हैं इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट ओ पी क्यू प्लस ट्रायंगल ओ क्यू पी प्लस पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, सबको पता है ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला करके 180 होते हैं। एक ट्रायंगल का क्राइटेरिया है कि वो दो तीनों एंगल मिला के 180 होते हैं। ये दोनों एंगल हो जाएंगे 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर से एक कट जाएंगे आकर के 180 180 नहीं 60 डिग्री। ट्रायंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ कुछ गलत हो रहे हैं, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। अभी ओ पी क्यू, ओ पी क्यू एंड ओ क्यू पी, ओ क्यू पी राइट एंड पी ओ क्यू, यस पी ओ क्यू इज 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएंगे एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या 2 हो जाएगा, ये 2 ओ पी टू ओ पी क्यू इक्वल टू 60 से लगा तो 120 डिग्री, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री राइट। एंड नेक्स्ट ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू बटो √3/4 साइड का स्क्वायर। सबको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है जिनको याद कर लें, √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर। मैं लिखता हूँ 100√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे 43.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी क्यू आर निकालने हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फिगर को होने देते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी क्यू आर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी क्यू आर पी क्यू आर एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर
ओ पी आर क्यू, उन्हें रहने थोड़ा, ओ पी आर क्यू एक माइनस एरिया ऑफ ओ पी क्यू इक्वल 52.33, -43.30, 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी एस क्यू एस, इसको मान लेते हैं इधर एस पी एस क्यू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी एस क्यू, काफी सिंपल है, माइनस 10 कर देना है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी आर क्यू इक्वल हो जाएंगे पाई 10 का स्क्वायर -9.03 3314 -9.03 3304.9797 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एरिया निकाले ओ पी क्यू आर, ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू के एरिया पहले, इसके बाद हम फिर ट्रायंगल यहाँ पे प्रूव किए, तीनों साइड उसका इक्वल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इस पूरे एरिया को निकाले हम। इसके बाद ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने प्रूव किया इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री से, एंड सो द एरिया ऑफ द ओ पी क्यू, ओ पी क्यू का एरिया निकाला इतना है, ओ पी क्यू, ओ पी के क्यू का एरिया निकालने के बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर को मैंने माइनस किया, जब पी क्यू आर को माइनस किया तो बच जाएंगे ये एरिया और ये एरिया, जहाँ की एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट पी आर क्यू, पी आर क्यू ये बच जाएंगे, इनको माइनस कर दिया तो आ गया 30497 सेंटीमीटर स्क्वायर।